अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 60। और आज के इस लेसन में हम काम करेंगे पैरामैट्रिक्स के ऊपर, कि पैरामैट्रिक्स क्या होता है और उस पर किस तरह काम किया जाता है, और उसमें हमारे पास कॉन्सिडेंट का क्या फंक्शन है, कॉलिनियर का क्या फंक्शन है, कॉन्स्टेंट का क्या फंक्शन है, फिक्स एंड पैरेलल का क्या फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे पैरामेट्रिक्स मीन आपके जियोमेट्रिक के फंक्शन हैं, और इनका फंक्शन क्या क्या होता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और ये पैरामेट्रिक्स भी आपका ऑटो कैड 2015 में एक लेटेस्ट पैनल है पूरा, जिसमें कंप्लीट ज्योमेट्री यूज़ की जाती है, और ये कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लाइक आपने अगर कोई इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग्स बनानी है उसके लिए, या फिर आपने ज्योमेट्री का कोई काम करना है, आर्किटेक्चर कोई काम करना है, तो उसके लिए आप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको आगे यूज़ आती हैं। तो ये भी एक नया और बहुत लेटेस्ट ये ऑटो कैड में कोई फीचर्स डाले गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ। तो ऑटो कैड को अब ये जो फीचर्स हैं ये समझने के लिए, या कोई भी चीज़ को समझने के लिए, ऑटो कैड 2015 में बहुत ज़्यादा आसानी आपको फॉर्म की गई है, कि आप आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जस्ट क्लिक करेंगे, माउस रखेंगे, तो वो आपको कंप्लीट गाइड कर लेता है कि इसका फंक्शन क्या है। आप देख सकते हैं, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि इसका फंक्शन क्या है। तो कंप्लीट यहाँ पे इसने एक ट्यूटर्स भी हैं इसके, जो कि आपको आसानी से ये चीज़ें सिखाते हैं कि इसमें फंक्शन क्या है, आपको हैंडआउट्स यहाँ से मिल जाता है। और इसके अलावा और भी जितनी कमांड जोन में भी आपको यही काम, यही हैंडआउट्स मिल जाता है। तो सबसे पहले आपके पास सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपके पास जी कॉन्सिडेंट फंक्शन है। तो कॉन्सिडेंट क्या होता है कि आपकी जो दो लाइन्स हैं आपके पास, अगर आपके पास दो लाइन हैं जो कि आपस में पैरेलल हैं या कोई भी उनकी पोजीशन है, तो एक लाइन का जो एंड पॉइंट है उसको दूसरी लाइन के मिड पॉइंट से जोड़ने के लिए ये फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो इसका फंक्शन मैं आपको समझा देता हूँ। एल एंटर करता हूँ मैं, एक लाइन मैंने ये एंटर की, दूसरी लाइन मैंने ये एंटर की। अब मैं चाहता हूँ इस लाइन का जो एंड पॉइंट है, इस लाइन के जो मिड पॉइंट है उसके साथ ही अटैच हो जाए, जुड़ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ से पहला ऑप्शन लूँगा जो कि कॉन्सिडेंट, क्लिक करता हूँ मैं इस पर। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, देखें इसके कॉर्नर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, या यहाँ से ये वाला कॉर्नर देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, तो मैंने उसको क्लिक किया यहाँ पे। दूसरा जो है हमारे पास यहाँ पे, देखें इसका सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर या फिर मिड पॉइंट यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, या फिर आप मिड पॉइंट में जोड़ सकते हैं या फिर कॉर्नर में। तो मिड पॉइंट में मैं क्लिक करता हूँ, तो देखें मेरा वो वाला ऑब्जेक्ट इसके मिड पॉइंट में जुड़ गया है। अब जब मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करूंगा तो मेरे पास ये मूव हो रहा है, और उसी सेंटर पॉइंट से मूव हो रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए उसी सेंटर पॉइंट से मूव हो रहा है, मेरे सेंटर पॉइंट से मैं इसको मूव करता हूँ, देखिए तो ये देखिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मूव होगा, देख सकते हैं आप। या फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ तो ये यहाँ से मूव जब होगा तो मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट मूव होगा, मीन ये यहाँ पे इसके साथ वेल्ड हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा, इसके सेंटर्स के अलावा आप एंड पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट भी जोड़ सकते हैं। तो एंड पॉइंट के लिए भाई आप क्या करें, इसको सिलेक्ट करें, इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट आपस में जुड़ जाए, क्लिक करें तो दोनों के एंड पॉइंट आपस में भी जुड़ गए, देख सकते हैं। और इसको आप मूव करेंगे तो मूव होगा, देख सकते हैं, इसको मूव करना है, इसको मूव कर दें आप, तो इसके सिर्फ एंड पॉइंट्स आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। तो एक ये फंक्शन था इसका। नेक्स्ट आपके पास है जी, इसी तरह आपके पास एक लाइन है, फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन है एल एंटर करता हूँ, एक लाइन का पॉइंट ये है, दूसरी लाइन का पॉइंट यहाँ से ये है। तो मैं चाहता हूँ ये लाइन और ये लाइन आपस में आप जुड़ जाएं, ये लाइन और ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, फिर स्ट्रेट ना भी बने लेकिन ये दोनों एक ही लाइन बन जाए और आपस में जुड़ जाए, तो उसके लिए आप सेकेंड ऑप्शन यूज़ करते हो जो कि आपके पास है कॉलिनियर का ऑप्शन है। क्लिक करें आप इसको, फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करें, सेकेंड लाइन को सिलेक्ट करें, तो देखें ये लाइन आपस में क्या हो गई है, बिल्कुल आपस में एक दूसरे के बराबर आमने सामने हो गई, लाइन ऑफ साइट हो गई है, देख सकते हैं आप। अब जब मूव करूंगा, एक लाइन को मूव करता हूँ, दूसरी लाइन भी इसके साथ मूव होगी, देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल, एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गए।
नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो नेक्स्ट है आपके पास नया, वो है आपके पास कॉन्स्टेंट. क्या है इसका फंक्शन? ये होता है कि आपके अगर अपने सर्कल या आर्क है या कोई भी चीज़ है, एलिप्स है आर्क है, तो आप चाहते हैं दो आर्क्स हैं या दो सर्कल हैं दो एलिप्स हैं, तो वो दोनों मिड पॉइंट उनका एक हो. और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सर्कल में लेता हूँ, सी एंटर करता हूँ, एक सर्कल का साइज थोड़ा बड़ा रखता हूँ, दूसरे का थोड़ा छोटा रखता हूँ. अब मैं चाहता हूँ ये वाला सर्कल जो है इसके मिड में आ जाए, तो उसके लिए आप यहाँ से इस फंक्शन को क्लिक करें, सिलेक्ट सर्कल को सिलेक्ट करें, दूसरे सर्कल को सिलेक्ट करें, तो देखिए वो बिल्कुल उसके एक्यूरेट उसके मिड में आ गया है. अब जब आप मूव करेंगे अपने सर्कल को तो दोनों की दोनों चीज़ें मूव होंगी, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं. और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है एक और फिक्स का ऑप्शन है, तो फिक्स का फंक्शन क्या है कि ये दोनों आपस में फिक्स हो जाएंगे. ये फिक्स हो गया, देखें देख सकते हैं, मीन ये मूव भी नहीं होगा और इसको लॉक लग गया, फिक्स हो गया, देख सकते हैं. फिक्स को ख़त्म करना है तो दोबारा क्लिक करें तो फिक्स ख़त्म हो गया. अब आप इसे इजीली मूव भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको मूव कर सकते हैं आसानी से. सॉरी मेरा फिक्स नहीं हुआ, के सेंटर वाला पॉइंट जो है वो फिक्स हो गया और बाकी मूव हो रहा है. तो यहाँ से इसका फिक्स का ऑप्शन है जो के इसको फिक्स को ख़त्म करने के लिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको मूव करता हूँ, तो ये मूव होगा. तो ये था बस ये फिक्स का ऑप्शन कि आपका ऑब्जेक्ट जो है फिक्स हो जाता है एक जगह पे. नेक्स्ट है पैरेलल. तो पैरेलल क्या होता है, आप अपनी लाइन्स को पैरेलल बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल करना चाह रहे हैं, पैरेलल करना चाह रहे हैं, तो पैरेलल कर सकते हैं. एक लाइन मैंने यहाँ पे इस तरह इस पोजीशन में दे दिया और एक इस पोजीशन में दे दिया. अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हों, बिल्कुल इक्वल हों. और पैरेलल के लिए इन दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे ये दोनों आपस में एक बिल्कुल पैरेलल है, देख सकते हैं. मीन ये दोनों आपस में आप कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. देखें मैं इसको मूव करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये इंटरसेक्ट हो, इसको मूव कर रहा हूँ, तो देखें वो भी मूव हो रही है, इसके साइड पर मूव कर रहा हूँ, ये साइड पर मूव हो रही है, मीन कि ये दोनों आपस में क्या हो गई हैं, ये पैरेलल हो गई हैं. तो ये था जी आज का लेसन, और उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी. और ये जितना भी काम था ये ज्योमेट्रिक काम था, मीन पैरामेट्रिक्स में आपके पास ज्योमेट्रिक सारा काम था. आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अभी आपके पास ज्योमेट्रिक काम है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे आप, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इन लेसन को बार बार देखें, बार बार इन पर प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छी तरह से इन पर काम कर सकें. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं. खुदा हाफिज़.